गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब कोई मजे में होंगे। देखो, जो रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, काफी इंटरेस्टिंग है। नो डाउट, सारा सीन पता चल रहा है, किस तरह ह्यूमन बीइंग अपना एस्पिरेशन को फुलफिल कर रहा है, किस तरह एक सोशलिस्ट सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। ठीक है, इस पे एक चीज हिस्ट्री के बारे में समझो कि हिस्ट्री है क्या। वो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो या इंडियन हिस्ट्री हो, ठीक है, हिस्ट्री स्टडीज नॉट जस्ट फैक्ट्स। हिस्ट्री में फैक्ट्स के बारे एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे पढ़ा नहीं जाता। हिस्ट्री इसके लिए नहीं है, फैक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री फिर किस चीज के लिए? हिस्ट्री एक बहुत बड़ा लेसन है। क्या लेसन है? इट्स रियल सब्जेक्ट इज द ह्यूमन स्पिरिट। सबसे बड़ा वर्ड क्या है यहां पे? इट्स रियल सब्जेक्ट इज ह्यूमन स्पिरिट। इंसान की इच्छा शक्ति, इंसान का सोच। ठीक है, ये सोशलिज्म क्या था? कहीं लिखा हुआ था क्या? कहीं से कॉपी करके लाया गया क्या? नहीं लाया गया। क्या था? उनका स्पिरिट था, उनका एस्पिरेशन था, रशियन पीपल का एस्पिरेशन था ना ये सब। तो हिस्ट्री से हम लोग क्या सीखते हैं कि हमारा जो पास्ट है, पास्ट क्या है? अभी से 2 घंटा पहले जो तुम की वो पास्ट हो गया। लो भाई, एक नया हिस्ट्री, तुम खुद हिस्ट्री बना रहे हो। अभी तक तुम पिछला अपना जितना क्लास में परफॉर्मेंस किए, वो क्या तुम्हारा हिस्ट्री है? खुद तो हिस्ट्री बना रहे हो। तो हिस्ट्री हमें क्या सिखाता? सबसे बड़ा लेसन ये ह्यूमन स्पिरिट को दिखाता है कि इंसान का इच्छा शक्ति क्या था। ठीक है, वो क्या करना चाहता था, उसके लिए कितना मतलब कठिन मेहनत किया, कितना हार्डवर्क पुट किया, क्या कंसेप्ट था, सोसाइटी को किस तरह रिबिल्ड करना था, हर एक के लिए कंट्रीब्यूट किया गया। तो ये सब जो आइडिया है ना, ये सब कहां से पता चलता है? हिस्ट्री से। इनफेक्ट आज जो तुम प्रेजेंट एंजॉय कर रहे हो ना, अगर इसे ढंग से समझना है ना, एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग की तरह, तो तुमको ना हिस्ट्री समझना पड़ेगा। देन यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। अब हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री जो तुम समझ रहे हो वो हिस्ट्री नहीं होता कि बोरिंग सा एकदम मरिया सा मरियल टाइप का कहानी चल रहा है। दीज ऑल इन लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो तुम लोग अपना फ्रेंडशिप सर्कल में बात करते होगे। ठीक है, ऑलमोस्ट को यही देखे हैं, इसी तरह से बात चलता उन लोगों में। अरे यार, बहुत अजीब सा सब्जेक्ट है, हो जाएगा। ठीक है, द फैक्ट इज डेट ना कि हिस्ट्री बहुत बड़ा। अरे हिस्ट्री तो हर एक चीज का, केमिस्ट्री का हिस्ट्री है, फिजिक्स का हिस्ट्री है, बायो का हिस्ट्री है, जो बीत गया उसका स्टडी में, उसका एस्टेब्लिशमेंट में, सारा हिस्ट्री है। हर एक सब्जेक्ट का अपना हिस्ट्री है। तो ये जो वर्ड हिस्ट्री है ना भाई मेरे, ये जो वर्ड हिस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है, समझे? इसे कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक दिन एक नया इतिहास होता है। COVID-19 भी तो हिस्ट्री हो गया। अब जब तुम लोग बड़ा हो जाओगे, ठीक है, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, तो उस समय तुम लोग कहानी सुनाओगे अपने आने वाले जनरेशन को, एक बार COVID-19 आया था, ऐसा हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, हम लोग ऑनलाइन पढ़ते थे, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते थे, बताओगे ना कहानी? तो क्या हो गया? हिस्ट्री हो गया। तो हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, और जो हम लोग पढ़ रहे ना चैप्टर, वो तो और हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर ह्यूमन स्पिरिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक नया सोच, एक नया सोसाइटी का फॉर्मेशन कितना इंटरेस्टिंग है। जिस सोसाइटी को आज हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये इन्हीं का तो क्रांति का दिया हुआ भाई। रशियन रिवॉल्यूशन नहीं होता तो इंडिया के पास ये कंसेप्ट नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन लिखने टाइम, समझ रहे हो? पूरा वर्ल्ड को ये सब इतना बड़ा बड़ा आंदोलन जो है ना इफेक्ट किया है। अब सोचोगे कि भाई दूसरा देश का हम लोग क्यों कॉपी किए? तो ऐसा नहीं है, हम लोग का भी इतिहास से बहुत कोई प्रेरणा लिया है। जैसे नेल्सन मंडेला गांधी जी से बहुत बड़ा प्रेरणा लेके वो अफ्रीका में एपार्थाइड वाला जो सीन था उसे खत्म किए थे, समझे? तो अपना भी बहुत यूनिक और रिच हेरिटेज कल्चर है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये सीखना है भाई, ये हम लोगों को समझना है कि हम लोग प्रेजेंट में ऐसे कैसे हैं, किस तरह से हमारा सोसाइटी पहले हारमोनी में था, खुशहाली से सब कोई एक साथ, कंपोजिट कल्चर था। आज हम लोग भाई परेशान हैं एक दूसरे का कल्चर से, एक दूसरे का रिलीजन से, एक दूसरे का कास्ट से, एक दूसरे को देख के जल रहे हैं सोसाइटी में। क्यों? व्हाई? बिकॉज वी हैव फॉरगेटन आवर हिस्ट्री, वी हैव फॉरगेटन आवर पास्ट। हम लोग अपना हिस्ट्री भूल गए, हम लोग अपना पास्ट भूल गए।
अरे चलो टॉपिक पर आते हैं, वरना हिस्ट्री का लेक्चर और वकालत करते करते ना बहुत समय हम निकाल देंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। बस एक नजरिया का कमी है, समझे? अपना नजरिया थोड़ा सा चेंज कर लो। अभी जो तुम सोसाइटी एंजॉय कर रहे हो, इस सोसाइटी को समझने का नजरिया से तुम ये चैप्टर सोशलिज्म ये सब पढ़ो, देखो कितना मजा आएगा। तुम्हारे मन में जो अगर डाउट होगा ना कि यार हमारे सोसाइटी में ऐसा क्यों होता, हमारे समाज में ऐसा क्यों होता, तो उसका सारा जवाब मिलेगा यहाँ पे, समझे? सिर्फ पढ़ने का नजरिया सही होना चाहिए, इतना ही कहेंगे। ठीक है, अब चलो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सोशलिज्म सोसाइटी में अब कैसे स्टेबल हुआ, ठीक है? चलो देखो, टॉपिक 4.2 पिछले क्लास में बोले थे वो, आई मीन पिछले लेक्चर में, अभी तो वर्चुअल क्लास चल रहा है। ये कौन सा क्लासरूम हो गया जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वर्चुअल क्लासरूम का एक एग्जाम्पल हो गया है ना, कि मीडिया के थ्रू हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैं बोला था मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी से स्टार्ट करूंगा। तो देखो अब सोसाइटी है, सोसाइटी को कैसे बना रहे हैं हम लोग, सोशलिस्ट बना रहे हैं। तो अब सोसाइटी में ध्यान देना कि किस किस पॉइंट पर चेंजेस आएगा, ठीक है? चलो, ड्यूरिंग अ सिविल वॉर वोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। सिविल वॉर के समय में जो वोल्शेविक पार्टी था वो इंडस्ट्रीज एंड बैंक को नेशनलाइज्ड कर दिया। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। अब पीजेंट्स के पास क्या परमिशन था कि जो लैंड को सोशलाइज किया गया है सबके बीच में, ठीक है, उसे आप कल्टिवेट कीजिए। वोल्शेविक्स यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डिमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। तो वोल्शेविक जो था पार्टी, मतलब पावर में, ठीक है, तो वोल्शेविक वाले लोग क्या किए थे कि जितना भी लैंड था नोबिलिटी का उसको सीज किए थे ना, कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, ठीक है, सीज किए थे और उसे कलेक्टिव वर्क में लाए थे, ठीक है। चलो आ गया, अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझे? किस तरह सोसाइटी में चेंजेस आया, ठीक है, ये जो लाइन है ना दोस्त, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि अब जो सारा प्लान बनेगा वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया में जो एक सिस्टम है वो USSR से कॉपी किया हुआ, वो है ये 5 ईयर प्लान, सुने हो? इंडिया का 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना जो भारत का बनता है, वो यहीं से इंस्पायर है, समझे? तो चलो यहां पर पढ़ते हैं, शायद आगे लिखा हुआ होगा इंडिया के रेफरेंस में, तो ठीक है, नहीं तो हम बता दिए हैं। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर पीरियड। इसमें क्या हुआ, ऑफिशियल्स जो थे वो इसका निचोड़ निकाले कि हमारा इकोनॉमी कैसे ग्रो अच्छा कर सकता है, और एक टारगेट फिक्स किए कि 5 ईयर में, 5 वर्ष में हमें सर्टेन टारगेट को पार कर जाना है, ठीक है, मतलब ग्रोथ का टारगेट फिक्स किए कि उतना ग्रोथ अचीव कर लेना 5 ईयर में वर्क करके, है ना। ऑन द बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स का जो कंसेप्ट आया वो कहां से आया? रशियन रिवोल्यूशन से। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग फर्स्ट 2 प्लान्स। जो पहला 2 5 वर्षीय प्लान था ना, 5 ईयर प्लान मतलब कंटिन्यू 10 ईयर के लिए, ठीक है, 2 सेशन 5 ईयर प्लान मतलब कंटिन्यू 10 ईयर हो गया। तो गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। गवर्नमेंट जो था हर एक चीज का प्राइस फिक्स कर दिया था, प्राइस फिक्सेशन किया गया था ड्यूरिंग फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान, ठीक है, 2 प्लान, कब से कब? 1927 से 1932, फिर 1933 से 1938। ये देखो यहां पर ये जो बॉक्स वाला है ना, बॉक्स वाला भाई हम तुम लोग पे छोड़ दे रहे हैं कि तुम लोग को घर पे पढ़ना है, ये बस केस स्टडी है। फिर देखो आगे, सेंट्रलाइज्ड प्लान लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज्ड प्लान था, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, इंक्रीमेंट हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जैसे कि किस किस चीज में? बिटवीन 1929 एंड 1933 बाई 100% इन केस ऑफ वाइल कोल स्टील। वाइल कोल स्टील का प्रोडक्शन में 100% का इंक्रीमेंट हुआ। न्यू फैक्ट्री सिटीज कैम इन टू बिंग।
मतलब नया फैक्ट्री सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, बना। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। अब कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेज रफ्तार से वहां चल रहा था, तो उसका साइड इफेक्ट कहां पर आया? लिविंग कंडीशन पे। ठीक है, रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। पुअर वर्किंग कंडीशन, जो वहां पर वर्किंग कंडीशन था वो बहुत बुरा स्थिति में आ गया था। ठीक है, इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोग्रोस्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 ईयर्स। 3 साल में वहां जो स्टील प्लांट था रेडी हो गया। वर्कर्स लीव्ड हार्ड लाइफ्स एंड द रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। ठीक है, ये क्या हुआ कि जो वहां पर लेबर का मतलब लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफी चुनौती भरा हो गया, और ये पूरे प्रोजेक्ट में 550 टाइम्स स्टॉपेज आ गया फर्स्ट ईयर में ही। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पे, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर एंड डैश अक्रॉस स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। सोच लो कितना एडवर्स कंडीशन था उसको, -40 डिग्री में कहां से कहां आना पड़ता था टॉयलेट के लिए। ठीक है, फिर आगे देखो, ये जो वर्कर्स का कंडीशन था वो हो गया। अब ना एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम जो हुआ डेवलप किया, एंड अरेंजमेंट वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू इंटर यूनिवर्सिटीज। उन लोगों के लिए मैनेजमेंट कुछ नया लाया है ना, कुछ अरेंजमेंट किया कि जिससे वो लोग यूनिवर्सिटीज में आए। क्रेचेस वेर स्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ वुमेन वर्कर। एक बार बहुत पहले का लेक्चर में क्रेचेस के बारे कुछ में बताया था, और पूरा उम्मीद करता हूं कि वो भूल गए होगे तुम लोग। क्रेचेस बताए थे ना कि जो वुमेन्स लोग काम करती है उनका ऑफिस का बगल में रहता बच्चा को रखने के लिए, झुलवा लगा के वगैरह, मतलब बच्चों का देख रेख के लिए। तो वही क्रेचेस भी डेवलप किया गया, वाई चिल्ड्रेन ऑफ वुमेन वर्कर्स। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड सस्ती दर पे। ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ केयर था उसको मैनेज किया गया। क्यों? क्योंकि अगर सिटीजन हेल्दी नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा? रुक जाएगा। वर्कर अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी रुक जाएगा ना जी, डेली किसी ना किसी का तबीयत ही खराब रहेगा। मॉडल लिविंग क्वार्टर वेयर सेटअप फॉर वर्कर्स द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अन इवन द सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेस वर लिमिटेड। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अन इवन, मतलब इक्वली सब जगह पर इफेक्ट बढ़िया नहीं था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस जो था सीमित था और खर्च बहुत कर रहा था। ये एक यहाँ पर फिगर है, देखो फिगर 14 कहता है फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ सोशलिज्म। फैक्ट्री जो बन गया सिंबल सोशलिज्म का। दिस पोस्टर स्टेट्स द स्मोक फ्रॉम द चिमनी इज ब्रेथनिंग द सोवियत रसिया। ये जो पोल्यूशन आ रहा है चिमनी से, स्मोक आ रहा है, इसको इंडिकेशन कर दिया कि सोवियत रसिया का ये सोशलिज्म का। वाह भाई, चलो आगे आ जाओ। यहां पर देखो एक और फिगर लिखा हुआ नीचे, ये देखो, चिल्ड्रेन एट स्कूल इन सोवियत रसिया इन द 1930 दे आर स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमी। सोवियत इकोनॉमी को पढ़ रहे, किस तरह देश का अर्थव्यवस्था चल रहा है, इसको कैसे सुधारा जाए। आई थिंक ना हम लोग को भी इस जगह पर बहुत फोकस करना चाहिए। स्टूडेंट्स को ना बस 8-9 से ही ना इकोनॉमी बढ़िया से पढ़ाना चाहिए, समझे? थोड़ा हैवी डोज वाला, जो अभी तुम लोग पालमपुर वगैरह पढ़े हो ना उसमें इंडियन इकोनॉमी से रूबरू हुए ही नहीं हो। इसको भी 2 सेक्शन में पार्ट देना चाहिए कि थोड़ा सा बेसिक बात बताएगा और थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी को समझाएगा कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह बर्बाद हुआ, इंडियन इकोनॉमी पहले क्या था, ब्रिटिश आने से पहले क्या था, फिर ब्रिटिश आने के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आया, वो सब थोड़ा बताए तो मजा आ जाएगा। एक चैप्टर ही डेडिकेट कर दे, ऐसा मेरा सोचना। चलो 16 देखो क्या,
एक बच्चा का है, ही इज वर्किंग फॉर सोवियत रसिया, ये बच्चा काम कर रहा है सोवियत रसिया के लिए। चलो सारा फोटो दिखा दिखा कर पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा होगा। फैक्ट्री डाइनिंग हॉल, देखो फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल है बॉस इतना बड़ा। चलो अब आ जाओ टॉपिक पे, सोर्स सी ड्रीम एंड रियलिटीज ऑफ सोवियत चाइल्डहुड। समझ गए, बोलने की जरूरत नहीं है, घर पे से पढ़ोगे फिर भी बोल दिए। तो सोशलिस्ट जो व्यू था वो सोसाइटी में इंटर कर गया। देखे तुम, फैक्ट्रीज में वर्कर के लिए काम हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है ना, ठीक है। देख लिए, अब आ जाओ स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टेलिन भाई साहब ये हैं, लेनिन के बाद स्टेलिन आए थे। स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लांड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बाई 1927-28 द टाउन इन सोवियत रसिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। ग्रेन सप्लाईज को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, है ना। और ऐसे भी पहले ही लिखा कि अर्ली पीरियड में जो था प्लान इकोनॉमी का, अर्ली पीरियड में क्या हुआ कि लिंक टू द डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन हुआ वो डिजास्ट्रस हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन सप्लाई हो गया उसके बाद कुछ समय के बाद। देखो ध्यान देना, अभी जो पहला वाला हम लोग सब टॉपिक पढ़े थे उसमें फैक्ट्री बैंक वगैरह का बात था, ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर बात नहीं था। पीजेंट को सिर्फ बात हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसका कुछ डिटेल नहीं बताया था। अब उसका डिटेल यहां पर है। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइजेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स किया, भाई साहब आपको 2 रुपए किलो ही चावल बेचना है, बट 2 रुपए ऐसा कहीं नहीं है, समझाने के लिए बोले हैं। अच्छा इतना तो समझदार अब तुम लोग हो ही गए हो कि हर एक जगह पर हमको ये नहीं बताना पड़े कहां पर समझाने के लिए बोल रहे हैं। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर एट दिस प्राइस। लेकिन पीजेंट्स जो थे वो रिफ्यूज कर गए कि गवर्नमेंट को नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट कहीं और दिख रहा होगा तो उधर बेचेंगे, और क्या, सिंपल सी बात है। 2 + 2 = 4 होता है, जो कि 5 से कम है, 5 रुपया जो देगा उसी को बेचेंगे। देखो स्टेलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, तो ये सिक्वेंस याद रखना, लेनिन के बाद कौन आए, स्टालिन। तो स्टालिन इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म एंड इमरजेंसी मेजर्स, है ना, कुछ इमरजेंसी मेजर्स ही इंट्रोड्यूस किए। ही बिलीव डेट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वेर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस। मतलब कि स्टॉक पाइल किया जा रहा है, स्टॉक पाइल अप हो रहा है कि महंगा कर दिया जाए सामान। स्पेक्यूलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। जो स्पेक्यूलेशन कर रहा है, लोग जमा कर रहा है, ठीक है, जमाखोरी, उसको रोकना है और सब उस सप्लाई को सीज कर लेना है। 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड टूअर्ड, मतलब घूमा, टूअर होता है ना, तो वही ईडी लग गया, टूअर्ड पार्टी मेंबर्स टूअर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज सुपरवाइजिंग इनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कुल्लाक्स। कुल्लाक्स क्या, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स, मतलब अच्छा अच्छा वाला जो पीजेंट्स है, थोड़ा रईस वाला, उसको क्या बोलते थे वहां, कुल्लाक्स। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। मतलब जैसे जैसे अब क्या हो रहा था कि और सप्लाई जो था वो शॉर्ट करता जा रहा था, तो डिसीजन क्या लिया गया कि जो भी फार्म्स है ना उसे कलेक्टिव कर दो, उसे एक ग्रुप में बना दो, समझे। इट वॉज आर्ग्यूड डेट ग्रेन शॉर्टेज वेयर पार्टली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फोल्डिंग। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ फोल्डिंग है, स्मॉल साइज ऑफ फोल्डिंग है, तो हर एक आदमी के पास छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा है, तो वो छोटा जमीन टुकड़ा से ज्यादा प्रॉफिट चाहेगा, तो ज्यादा प्रॉफिट चाहेगा तो 4 रुपए वाला को ना बेचकर 5 रुपए और 6 रुपए वाला को बेचेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवेन ओवर टू पीजेंट्स, दीज स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड, कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड।
टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस विथ मैसनरी इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलाक्स टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। देखो भाई साहब, बात बहुत सिंपल सा है। तो सिंपल बात क्या है कि ग्रेन का शॉर्टेज हो गया तो सप्लाई बढ़ाना है। सप्लाई बढ़ाने का बात हुआ तो पता चला कि जो बड़ा बड़ा फार्मर लोग हैं, कुल्लक्स लोग कंट्रोल किए हुए हैं, तो इसमें गवर्नमेंट क्या सोची कि अब जो छोटा छोटा फार्म है उसे कलेक्टिव कर दे है ना, तो उसके बाद उससे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। जितना रफ्तार से आपका इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उतना ही रफ्तार से आपका इधर खाने का अनाज भी बढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मॉडर्नाइज तरीका चाहिए ना, पीजेंट्स मॉडर्नाइज तरीका चाहिए, जो कि आप मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे थे। मॉडर्न फार्मिंग की जरूरत है आपको। ओके, तो मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए क्या किया कि जो फार्म था ना, जमीन का बड़ा बड़ा टुकड़ा, उसको भी कंट्रोल कर लिया स्टेट। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, क्या मजा आने वाला है। अगला एडवेंचर ये है, व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फॉर्म। सबको कलेक्टिव फॉर्म में कल्टीवेट करना था, तो कल्टीवेट फॉर्म को क्या बोलते थे वहां, कुलखोज। व्हाट कुलखोज, द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म, पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड कुलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। लोग काम करते थे, जो प्रॉफिट होता था उसे शेयर करते थे। इनरेज्ड पीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाई 1/3। ठीक है, दिक्कत हुआ जो इनरेज्ड पीजेंट्स थे, ठीक है, वो लोग अथॉरिटी को जो था चैलेंज करते रहते थे, मतलब कि वो लोग नहीं चाहते थे कि ढंग से ये चले क्योंकि उनका कंट्रोल से बाहर आ गया था। तो बिटवीन 1929 एंड 31 क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैटल्स जो था, ठीक है, नंबर ऑफ कैटल्स जो था वो कम हो गया 1/3 पहले की तुलना। दोज हू रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सिवरली पनिश्ड। जो कलेक्टिवाइजेशन का अगेंस्ट जाना चाहा उन्हें पनिश किया गया। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बाहर भेज दिया गया, तड़ीपार कर दिया गया। इज द रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, पीजेंट्स आर्ग्यू डेट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। ओके, पीजेंट्स लोग का ये कहना था, आर्ग्यू किए, ठीक है, दे मेयरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। ठीक है, तो जो और भी लोग थे जो लोग रेसिस्ट कर रहे थे कलेक्टिवाइजेशन को लेके, तो उसमें से कुछ पीजेंट्स का आर्ग्यूमेंट था कि वो लोग रिच नहीं है, दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और वो लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है। ठीक है, दे मेयरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन, और भी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण वो काम नहीं करना चाह रहे हैं कलेक्टिव सिस्टम पे। तो आइए आगे देखते हैं। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड, सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिंपैथेटिकली। ठीक है, बिना कोई सिंपैथी के साथ उसको ट्रीट किया, चलो ठीक है काम करो, इस तरह का ट्रीटमेंट हुआ स्टालिन्स गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो, एक्चुअली जानते हो हिस्ट्री पढ़ाने का मजा एक सीक्वेंस में आता, एकदम लेक्चर देते जाओ, बात कहानी की तरह समझाते जाओ,
और फिर किताब पढ़ लो, समझे? वो वाला जो एनर्जी है ना, फेस टू फेस क्लास में बड़ा मजा चलता है उस तरह से पढ़ाने में। चलो कोई बात नहीं है, अभी पढ़ लो, फिर हम लोग कोशिश करेंगे और बढ़िया पढ़ने का। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। देखो कलेक्टिवाइजेशन हुआ, छोटा छोटा टुकड़ा, जो छोटा छोटा पीस ऑफ लैंड था उसे एक बड़ा पीस ऑफ लैंड में कन्वर्ट किया, लेकिन इमीडिएटली कुछ प्रोडक्शन में असर नहीं दिखा। इनफैक्ट द वेट हार्वेस्ट ऑफ 1933 लेड टू वन ऑफ मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमिन इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डाइड। 4 मिलियन लोग मर गए, ठीक है? ये वाला लाइन पे एक कमेंट कर रहे हैं, ध्यान देना कि देखो ये इतिहास हम लोग पढ़ रहे ना कि सोवियत यूनियन में फेमिन आया और इतने लोग मर गए, तो ये उस समय हुआ होगा। तो अभी जो कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, कोविड-19, तो कल हो के ये भी तो इतिहास बन गया कि पूरा विश्व में कोविड-19 में इतने लोग मारे गए जिसमें कि भारत से इतने लोग थे, इतिहास बन गया ना। तो यही इतिहास, इतिहास से जानते हो दोस्त, सबक लेना बहुत जरूरी है, तब प्रेजेंट अच्छा रहेगा, समझे? चलो आ जाओ इधर, बस हम दोनों का नजरिया जो माइंडसेट है ना, वो इतिहास पढ़ने का, हिस्ट्री पढ़ने का चेंज करना चाह रहे बस। हियर इज टू वर्ड डिपोर्टेड एंड एग्जाइल्ड, देख लो, कुछ और इधर, यहाँ पीजेंट का फिगर है, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, चलो आ गया हो, ये सोर्स वगैरह पढ़ोगे दोस्त। चलो अब देखो यहाँ, मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कंफ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर प्लान्ड इकोनॉमी एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। पार्टी में कुछ लोग क्रिटिसाइज किए, ठीक है, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी को लेके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कलेक्टिवाइजेशन को। स्टालिन एंड हिज सिंपैथिसाइजर्स चार्ज्ड दीज क्रिटिक्स विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। जो स्टालिन थे और उसके सिंपैथाइजर, ठीक है, मतलब जो सोशलिज्म के सिंपैथाइजर थे, मतलब उसके फेवर में जो लोग थे, वो लोग क्या बोले कि इन लोगों का एक षड्यंत्र है अगेंस्ट सोशलिज्म। एक्विजेशन वेर मेड थ्रू आउट द कंट्री, एक्विजेशन एंड बाई 1939 ओवर 2 मिलियन वेयर प्रिजन एंड लेबर कैंप्स। और लेबर कैंप्स मतलब कि क्या हुआ, देखो एक्विजेशन मतलब दोषी बनाना है ना, दोषी ठहराना। एक्विजेशन वेयर मेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में इस तरह के लोगों को एक्यूज किया गया। 1939 में ओवर 2 मिलियन लोग जो थे उन लोगों को प्रिजन में डाला गया, जेल में और लेबर कैंप में। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग इनोसेंट्स थे जो कि ऐसा नहीं चाहते हैं, चाह रहे थे और सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन उनके हित में बोले कौन, आवाज कौन उठाया उनके लिए। अ लार्ज नंबर वेर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वेर एग्जीक्यूटेड, सेवरल अमंग देम वेर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। लो भाई यहाँ अलग अब ट्रेजेडी एक नया निकल के सामने आ रहा है, ये वाला लाइन पर जरा गौर फरमाइएगा। लार्ज नंबर वेर फोर्स टू मेक फॉल्स फॉल्स कन्फेशन, झूठ मूठ का मान लो, उन लोग को मनवाया जा रहा था टॉर्चर कर करके, पीट पीट के, डंटा पे डंटा मार के, है ना, कि मानो कि तुम ऐसा चाह रहा है, और उन लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, उनमें से बहुत सारे लोग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे, ठीक है? तो इस तरह से भाई काम हुआ। स्टालिन के टाइम में कितना सख्त मिजाज का स्टालिन था, इससे आइडिया लग ही रहा है कि उसको थोड़ा सा भी शक हुआ कि सोशलिज्म का अगेंस्ट है, उसको सीधा एक्यूज करता और जेल में डालता या लेबर कैंप में डालता, है ना? तो ये हो गया। अब क्या है,
अब है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। कंप्लीट कर दें कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया जाए। थोड़ा थोड़ा लेक्चर बढ़िया बढ़िया रख रहे हैं कि घर पे तुम लोग पढ़ोगे, समझे? इसलिए ये लास्ट ही टॉपिक है दोस्त, ऐसे फिफ्थ है ना। खत्म खत्म, लास्ट टॉपिक। घर पे पढ़ोगे क्या? छोड़ दें, कुछ ऐसा खास है नहीं, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर तो समझा ही दिए। छोड़ो, अगला क्लास में, अगला लेक्चर में इसको कवर ही कर दिए सब, क्योंकि इंडिया का कंसर्न में भी रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखे हैं रशियन रेवोल्यूशन पे, फिर इंडियन का और क्या व्यू था। तुम लोग ना घर पे इसको और आगे पढ़ के रखना, ठीक है? मतलब ये सब जो है ना इंडिया का रेफरेंस में, ये सब पढ़ के रखना। एक लेक्चर आओ बस, कल का लास्ट लेक्चर, उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत लंबा ये चैप्टर गया, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला कि हमारा सोसाइटी में बदलाव कैसे हुआ, क्या क्या चेंजेस आया, किस तरह लोग स्ट्रगल किए। अगर जरा सा तुम इमेजिन करो दोस्त, जरा सा इमेजिन करो, अगर सोशलिज्म नहीं रहेगा, ठीक है, तो कितना मुश्किल में पड़ जाएगा लोग, भारतीय समाज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ पर पॉवर्टी, गरीबी बहुत है, समझे ना? तो कैपिटलिस्ट लोग जो है वो अपना प्रॉफिट होर्ड कर लेगा, होर्डिंग करेगा, और जो वर्कर क्लास है, लेबर क्लास है, उन लोगों को ठीक ठाक वेजेस नहीं मिलेगा। देखते नहीं हो गवर्नमेंट बार बार वेजेस पर लॉ लाते रहता है? तो ये सब क्या सोशलिज्म का ही है ना भाई कंसेप्ट। तो अपना व्यू को चेंज करो दोस्त, हिस्ट्री मस्त चीज है, इतना चीज जानने को तुम लोग को मिल गया, ठीक है? अब क्या करोगे तुम लोग, फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट मतलब शॉर्ट नोट्स, उसे बना के तुम लोग रेडी रखोगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम में रिवाइज करने में काम आएगा। और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो इतना लंबा चैप्टर रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज बनाते चलो सब कोई अपना अपना शॉर्ट नोट्स, और बढ़िया से प्रिपरेशन करो, और 9th में बहुत बढ़िया करना, समझे? तो आज हिस्ट्री खत्म यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं किस चैप्टर को उठाते हैं और किस जगह से उठाते हैं, ठीक है? तो चलो बाय।